हरियाणा की अंबाला कैंट सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रत्याशी अनिल विज ने निर्दलीय चित्रा सरवारा को मात दे दी है। अनिल ने 7,277 वोटों से जीत हासिल की। चुनाव आयोग के अनुसार अनिल विज को 59,858 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा को 52,581 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार परविंदर पाल परी को 14,469 वोट मिले हैं। अंबाला कैंट सीट पर मिली जीत के बाद अनिल विज की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज बीजेपी की नीतियों की जीत हुई है। मनोहर लाल जिस गति से प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, ये उन्हीं मुद्दों की जीत है। आज पार्टी जीत गई है और सभी ने हमारा समर्थन किया है। उन्होंने सीएम के सवाल पर कहा कि अगर पार्टी मुझे सीएम बनाएगी तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। अगर इस मुद्दे पर हाई कमान कोई फैसला लेता है तो मेरी तरफ से मना नहीं किया जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि जीत के बाद और क्या बोले अनिल विज। देखिए, मैं तो हर हाल में समान रहता हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं चुनाव हार के गया था, तब भी उसी प्रकार से मैं बाजार में जाके बैठा था जैसे आज बैठा हुआ था सवेरे, जहाँ आज जाके बैठूंगा। यहाँ वो नहीं है, हम तो कार्यकर्ता हैं। जनता कोई भी दायित्व देती है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। कांग्रेस लोगों से बहुत दूर है, कांग्रेस को लोगों की तकलीफें नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की सोच नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की नब्ज नहीं पता। हमें पता, क्योंकि हम जनता में रहते हैं। इसीलिए पहले दिन से मैं दावा कर रहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और उस स्थिति में कर रहा था जब हरियाणा में एक भी आदमी ने मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अनिल विज ने कहा, तभी तो लोग मुझे बाबा कहते हैं। आपका जो सीएम पद को लेकर बयान था, फिर अभी भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा सीएम अनिल विज जैसा हो, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं को तो छूट है, कुछ भी कह सकते हैं, पर होगा वही जो हाईकमांड चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने ऐलान किया था कि नायब सिंह सैनी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब सवाल ये है कि हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा? क्या बीजेपी का आला कमान नायब सिंह सैनी को ही सीएम के पद पर आसीन करेगा? लेकिन हरियाणा में एक और बड़ा नाम है जो नायब सिंह सैनी का पत्ता साफ कर सकता है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।